सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच को करीब 2 महीने का वक्त बीत गया है। सुशांत की मौत को करीब 4 महीने होने को है, लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी पर सीबीआई किसी पुख्ता नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। हालात ऐसे हैं कि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद सुशांत की फैमिली से लेकर उनके फैंस तक इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल में शायद इतनी दूर निकल गई है कि सुशांत केस से ज़्यादा बॉलीवुड ड्रग रैकेट चर्चा में है। ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की खाक छान रहा था, वह भी अब मामले में शांत है। सुशांत केस की तफ्तीश करने जब सीबीआई मुंबई पहुंची थी, तब ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर शुरू हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी से लेकर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से लेकर सुशांत के कुक नीरज तक हर किसी से घंटों और कई दिनों तक पूछताछ हुई। रिया के घर के बाहर मीडिया का मजमा ऐसा लगा जैसे सोनपुर का मेला हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर महीनों की इस तामझाम और मेहनत के बाद सीबीआई के हाथ आखिर लगा क्या है। सीबीआई इस पूरे मामले में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। 2 महीनों में सीबीआई ने बीते दिनों पहली बार केस को लेकर बयान जारी किया कि वह हर एंगल से अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई ने यह चुप्पी तब तोड़ी जब एम्स की फॉरेंसिक टीम इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी थी। रिपोर्ट के जो इनपुट सामने आए उसके मुताबिक एम्स की टीम भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई है, उनकी मौत फांसी लगाने और इस कारण दम घुटने से हुई है। एम्स की इस रिपोर्ट ने कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी, जिस पर पहले खूब सवाल उठ रहे थे। यही कारण है कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह भी अब कॉन्फिडेंस में हैं। उन्होंने सोमवार को हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स 9 से बातचीत में कहा कि मुंबई पुलिस ने एक बेहद प्रोफेशनल तरीके से जाँच की। कूपर अस्पताल ने प्रोफेशनल तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी और सीबीआई भी प्रोफेशनल तरीके से जाँच कर रही है। परमवीर सिंह ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह जांच सीबीआई को सौंप दी तो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच होल्ड पर रख दी है, उसे कंक्लूड नहीं किया गया है। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल की पड़ताल तो शुरू की, लेकिन देखते ही देखते यह मामला इतना बढ़ गया कि सुशांत केस से ज़्यादा बॉलीवुड ड्रग रैकेट की चर्चा और जाँच होने लगी। दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक से पूछताछ हुई। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद से भी पूछताछ हुई और गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स से भी। यकीनन सवाल किया जाएगा तो एनसीबी से भी यही जवाब मिलेगा कि एजेंसी प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। कमोबेश यही बात सुशांत के मामले में जांच कर रही एम्स की फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी कही है। उनके मुताबिक भी 7 सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने प्रोफेशनल तरीके से सभी सबूतों और विसरा की जांच की। उधर सुशांत की फैमिली और फैंस लगातार सीबीआई से आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। 302 यानी हत्या का मामला। यह मांग तब हो रही है जब एम्स की रिपोर्ट आ गई है और उसमें हत्या की बात को खारिज किया गया है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने तो यहां तक कहा है कि एम्स की रिपोर्ट उनके पास आ जाए, उसके बाद वह सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे। कुल मिलाकर सीबीआई के सामने अब 3 तरफा दबाव है। उसे सच सामने लाना है, प्रोफेशनल तरीके से जो जांच हो रही है उसमें जो कुछ भी निकला है वह दुनिया को बताना है, कोर्ट के सामने रखना है। दूसरा दबाव यह कि मामले में सीबीआई की पूरी जांच जिस एम्स की रिपोर्ट पर टिकी हुई थी वह रिपोर्ट यह बताती है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई थी। एनसीबी की जांच में भी यह बात सामने आ रही है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सुशांत इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा सीबीआई पर जो एक दबाव है वो है जनता का। वह जनता जो बीते 4 महीनों से सिर्फ एक बात सुनना चाहती है और वह यह कि सुशांत की हत्या हुई है और इसके लिए कोई ना कोई गुनहगार है। लेकिन तथ्य यह है कि कानून भावनाओं से नहीं चलता, जांच विचारों के आधार पर नहीं होती और रिपोर्ट कयासों के आधार पर तैयार नहीं किए जाते। सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड में भी 51 से 52 दिनों बाद सारी रिपोर्ट दी थी। सुशांत केस में भी अब इतने ही दिन हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि सीबीआई जल्द ही पूरी सच्चाई सबके सामने रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।